नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नल और टंकी की लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बेसिकली धारिता वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं चाहता था कि आपका ए पोर्शन भी हो जाए, धारिता वाले प्रश्न भी हो जाएँ। इसके लिए एक और वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है। ये वही वीडियो है जिसमें आपको धारिता वाले प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कैसे क्या होता है पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर सवाल लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, वो सुन लीजिए। क्या है ज़रूरी सूचना? ये है, आज से, आज वीडियो अपलोड हो चुका है, आज से हर रोज़ शाम के 3 बजे, ठीक है ना, 3 बजे ये टाइम है, एक और वीडियो आपके लिए अपलोड होगी जो रेलवे NTPC हो, ठीक है, रेलवे NTPC, ग्रुप डी और बैंकिंग, SSC और भी जितने भी बनडे एग्ज़ाम होते हैं सभी में पूछे गए प्रश्नों का समावेश मैंने करने की कोशिश की है। जो भी प्रश्न आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जिनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहा है, उन सवालों को मैंने एक शीट में बनाकर आपको हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है। तो आप वह वीडियो भी देख लिया करो, उस वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत पसंद आएगा आपको वो वीडियो। तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सूचना आपको मिली गई, आशा करता हूँ आप लोग वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़ेंगे। धारिता वाले प्रश्न होते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लो धारिता होती क्या है। ऐसे प्रश्नों में या तो धारिता पूछेगा कि धारिता या क्षमता या आयतन, या पूछेगा कि जो टंकी है ना उसमें कितना पानी आएगा। ये 3 चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे क्षमता कार्य क्षमता नहीं है, क्षमता है उस टंकी में कितना पानी आएगा, आयतन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए समझो होता क्या है। आपने काम समय में पढ़ा होगा कि जब समय में कार्य क्षमता से गुणा करते हैं तो काम के बराबर कुल काम हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि जब समय में दर से गुणा करेंगे, दर मतलब कार्य करने की दर, दर क्या होती है, मतलब कोई भी नल है वो 50 लीटर प्रति मिनट या 20 लीटर प्रति मिनट, ये दर है, उसके काम करने की दर है, मतलब कितने लीटर प्रति मिनट से पानी फेंक रहा है उसकी वो दर है। अगर समय में दर से गुणा करेंगे तो कुल काम निकलेगा, कुल काम। बस इसी को आपको याद रखना है, समय गुणा दर बराबर काम। काम मतलब, अब यहाँ पे आप टंकी का आयतन कहो, क्षमता कहो, कुछ भी कहो, निकलेगा वही जो आपको चाहिए, पानी कितना आता है यही निकलेगा, जो काम है ना वही निकलेगा। जो काम होगा वो आपकी टंकी की क्षमता होगी, वही आपका उत्तर आएगा कि पानी कितना आएगा, वही उत्तर होगा कि आयतन कितना होगा, सब कुछ वही होगा। काम है बस ये निकालना है आपको हर प्रश्न में। कैसे निकालेंगे, चलो शुरू करते हैं, सवाल पढ़ेंगे। लिखा है दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पुराना है, वही चीज़ है 30 मिनट, दूसरा नल 40 मिनट, दोनों भरते हैं। आगे पढ़ेंगे, तीसरा नल शी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। अब पानी बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यदि तीन नल खोले जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इतना तो कर ही लो, ए बी और सी तीन नल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, खोले जाए तो हौज 1 घंटे में भर जाएगा। अब देखो यहाँ पे सब मिनट में है, तो घंटे को भी मिनट में बदल दो, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 घंटे की बात हो रही है, तो भाई 60 तो यहाँ से आ गए, 60 मिनट हो गए ना। अब क्या करते थे, कुल काम निकालते थे, कितना आएगा, 120 लीटर पानी आपको भरना है, 1 घंटे का निकाल लो सबका, 1 घंटे का काम निकालो फटाफट। निकालेंगे क्या करेंगे, अभी क्या है 30 मिनट में पूरा 120 लीटर, तो एक मिनट में आएगा 4, ऐसे इसका निकालेंगे तो इसका 3, और इसका निकालेंगे तो 2। अब तीनों नल से पानी भर रहा है क्या, देखो 30 मिनट में भर रही है, 40 मिनट में भर रही है, और तीनों खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में भर जाएगी, भर ही रही है, ठीक है, तीनों से भर रही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये देख लो, आप यहाँ से देखो कि ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना दिया, 2 दिया कि नहीं। आपको यहाँ से तीसरा नल चाहिए, तीसरा कितना है, सी का मान चाहिए, तो भाई ए का रख दो कितना है 4, और बी का मान कितना है 3, और सी का मान आपको निकालना है, बराबर में कितना दिया, तो सी का कैसे निकालेंगे, 2 में से माइनस कितना करना पड़ेगा, 4 और 3 को, तो 4 और 3 जोड़ो कितना हो गया 7, तो 2 में से 7 को घटाना पड़ेगा, तो सी बराबर आपका कितना आएगा, सी बराबर आपका आएगा माइनस का 5 आया। ए सी की क्षमता हो गई,
एक मिनट का काम हो गया सी का, अब आप समय निकाल सकते, तो समय निकाल लो। समय निकालने के लिए क्या करते थे, कुल काम कितना है 120 लीटर बटे एक मिनट का काम किसका, सी का, क्योंकि सी का समय चाहिए, तो माइनस पाँच रखेंगे। पाँच ए दर्शाता है कि भाई नल खाली करने वाला है, तो आपने कितना निकाला यहाँ से 24 मिनट निकले ना, 24 मिनट में नल सी पूरे टैंक को क्या कर देगा खाली, इतनी बात तो यहाँ से तय हो गई। ठीक है, अब क्या बोलता है कि जो तीसरा नल है सी वो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। ठीक है, और हौज में पूछा है लास्ट में कि हौज में कितना पानी आता है, मतलब पानी का आयतन पूछा, क्षमता पूछी टंकी की कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा, दर गुणा समय करना पड़ेगा, रेट। रेट क्या है कि जो जितनी दर से पानी आ रहा ना उस नल से, उसका गुणा किससे करेंगे, समय से। दर गुणा समय करेंगे तभी आपका आयतन निकलेगा, मतलब पानी की मात्रा निकलेगी, निकलेगी कि नहीं, मात्रा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो दर कितनी है 50 लीटर प्रति मिनट और समय कितना है 24 मिनट, कर दो गुना, 24 पंचे 120, एक जीरो पहले सीधा कितना आया 1200 लीटर। बताओ इतना आसान है, कुछ दिक्कत है ही नहीं, समय निकाल लो, जो रेट है उससे गुणा कर दो, कुल क्षमता आ जाती है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी तो था। अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, आप ही लगाने वाले हो, मुझसे पहले लगा लो आप, देखो पढ़ो और लगाते चलो, साथ में लगाते हैं। क्या है, एक छेद एक भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, एक छेद को हम ए मान लें, ए नल है, ठीक है, 8 घंटे में खाली करता है, तो 8H हो गए। फिर क्या बोलता है, भरी टंकी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल है, भरने वाला जो नल है वो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डालता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खोलने पर अगर उसको भी खोल दिया जाए, नल भरने वाले को, जो भरने वाला नल है उसको भी खोल दिया जाए, तो टंकी 12 घंटे में क्या हो जाती है, खाली। मतलब छेद को भी खोला जाए और भरने वाला जो नल है उसको, मान लिया बी, उसको भी खोला जाए, तो 12 घंटे में टंकी क्या हो जाती है, खाली। भाई एलसीएम ले लो, कुल काम निकाल लो, 24 लीटर है कुल काम। ठीक है, एक घंटे का काम निकाल लो, एक घंटे का निकालेंगे तो इनका तो आएगा 8 × 3 = 24 और 12 × 2 = 24। अब चूंकि बात ये है कि भाई जो पहले वाला नल है वो खाली करने वाला है, ठीक है, दूसरे से भी खाली हो रही है, देखो लिखा है ना खाली, तो भाई ए भी माइनस। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, आपको पहले क्या चाहिए, टंकी की धारिता, धारिता के पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो नल की रेट दी ना, रेट किसकी दी, भरने वाले पाइप की, तो भरने वाले पाइप की अगर रेट दी तो भरने वाले पाइप का समय चाहिए, तो उसका समय कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको बी की क्षमता चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो ए प्लस बी बराबर दिया माइनस दो, दिया ना। अब देखो यहाँ से ए का मान कितना है माइनस तीन, प्लस बी बराबर माइनस दो, रख दो ना, देखो है ना ही कमान इतना। अब देखो बी बराबर कैसे आएगा, माइनस दो प्लस तीन हो जाएगा ना, माइनस का इस तरह पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का एक, प्लस का एक ही दर्शाता है कि जो नल है वो भरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। समय निकाल लेंगे, समय के लिए क्या करते हैं, कुल काम कितना है 24 लीटर बटे एक घंटे का काम किसका, बी का, क्योंकि यही है वो पाइप जो भरने वाला है और उसी की रेट दी है, तो कितनी है एक, कितना आ गया 24 घंटे, दिया ना। देखो अब देखो सवाल क्या है, बोलता है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से एक मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, और यहाँ तो समय घंटे में है, तो भाई घंटे से मिनट नहीं बना सकते हम, बना सकते ना, क्या करेंगे हम इसमें, इसमें हम 60 से कर देंगे गुणा, तो क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 × 6 = 144, 1440 मिनट हो गए ना। अब ठीक है, अब देखो समय भी मिनट में और जो रेट है वो भी प्रति मिनट में, अब निकल आएगा क्षमता, निकालो आप क्षमता, टंकी की क्षमता कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला, दर में, दर क्या होती है कि जिस दर से पानी नल से निकल रहा है और टंकी में भर रहा है, तो 6 लीटर प्रति मिनट है रेट, भाई 6 गुणा समय, समय कितना दिया 1440, कर दो गुना भाई 1440 में 6 का करेंगे 0, 6 × 6 = 24, 6 × 6 = 24 = 26, 6 × 6 = 8, 8640 लीटर, ये हो गई टंकी की क्षमता। बताओ इतना सरल तो है, कुछ दिक्कत है ही नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, उसमें बोला जा रहा है बिल्कुल वही सवाल है, सेम है, आप लगाने वाले हो और आप ही लगाओगे, देखो कैसे लगाते हो, बहुत आसान है। क्या लिखा है, नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, मान लो ए है और ए 20 मिनट में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि नल बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है, 5 लीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। अब दो नल खोले जा रहे हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है, तो कितने मिनट लगते हैं, 100 मिनट, और टंकी क्या हो जाती है, हौज क्या हो जाता है, भर जाता है, भाई पहला भर रहा दूसरा भी भर रहा, ठीक है, एक एक मिनट का निकाल लो,
भाई कुल काम निकालो कितना आएगा। 100 लीटर भाई 20 मिनट में पूरा तो 1 मिनट में 5, 100 मिनट में पूरा तो 1 मिनट में 1, इतना ही आएगा ना। अब दोनों भरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है, पहले तो आप ये निकालो कि जिसकी रेट दी है पानी बाहर निकल रहा, तो भाई बी का समय चाहिए, समय। तो ए प्लस बी बराबर तो एक दिया, एक अकेले का मान 5 है, तो आप बी का कैसे निकालो कि बी का कितना आएगा, 1 माइनस 5, क्योंकि 5 का पक्षांतर हो गया तो माइनस के हो गए, तो बी बराबर आया -4। -4 ये दर्शाता है कि टंकी क्या हो रही है, खाली, और देखो पानी बाहर निकलता है, बोला ही है उसने। तो भाई बी की दी है क्या है, रेट, तो पहले बी का समय निकालो, समय समय निकालो। समय के लिए क्या करते हैं, कुल काम कितना है 100 लीटर बटे 1 मिनट का काम कितना है, बी का 1 मिनट का काम कितना है 4, तो भाई कितने मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे ना। अब देखो रेट किस में दी है, सेकंड में, प्रति सेकंड में, तो मिनट से सेकंड नहीं बना सकते भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 60 का, तो कितना आएगा 0 25 का 150, 1500 सेकंड आ गया आपके। अब देख लो समय सेकंड में है, रेट आपकी लीटर प्रति सेकंड में है, अब बड़े आसानी से निकाल लोगे आप। आपको क्या चाहिए, क्षमता। क्षमता के लिए क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना है, जो रेट है उसमें गुणा करना है समय से, कितने हैं 1500 सेकंड, तो कितना आएगा 1575 लीटर, बताओ इतना सरल हो सकता है कुछ, इतना सरल तो उत्तर है, आराम से आ गया, कुछ गलत है ही नहीं, कठिन तो कुछ है ही नहीं, कठिन लग रहा क्या, है क्या कठिन, है ही नहीं ना, बिल्कुल आसान हो गया। देखो अगला सवाल, क्षमता वाले हो गए। अब देखो एक कुछ अलग सवाल है, मैंने इनको आपकी इसी सीट में डालने की कोशिश की है, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वीडियो बिल्कुल लंबी नहीं होगी, बिल्कुल भी आप बोर होने वाले नहीं हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं आगे, तो वीडियो छोड़ के मत जाना, ठीक है, समझते रहो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आराम से समझ जाओगे। देखो क्या लिखा है, बहुत प्यारी चीज़ लिखी है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, 2 नल हैं, एक ए है ये 8 घंटे में भरता है, एक नल बी है ये 12 घंटे में भरता है, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, बहुत बढ़िया। तीसरा नल सी मान लें 6 घंटे में क्या कर रहा है, खाली। पहले तो कुल काम निकालो कितना आएगा, 24 लीटर पानी आपको भरना है, ठीक है, मान लिया। अब देखो क्या है भाई, एक एक घंटे का निकाल लो, इसका तो आएगा 3, इसका आएगा 2 और इसका आएगा 4। देखो अब अन्य निकासी नल कौन सा था, तीसरा, तो निकासी नल है मतलब इसको हमें क्या देना है, माइनस, और बाकी दो भरने वाले हैं इसलिए उनको क्या दे दिया हमने, प्लस। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले तो ये निकाल लो कि अगर तीनों को एक साथ खोलें, तीनों नल क्रमशः, एक मान लो, सोच लो अभी, इतना समझ लो कि अगर तीनों को हम एक साथ खोलते हैं तो टंकी भरेगी कि खाली होगी, अगर हम सोच लो खोलें तो ये 3 धन के 2 धन के, तो 3 और 2 5 5 लीटर पानी आपको प्राप्त हो रहा, और ये 4 लीटर खाली कर रहा, तो मतलब क्या है, 5 में से 4 चले गए, 1 लीटर पानी आपका 1 घंटे में भर रहा ना, देखो प्लस में एक आया, तो टंकी क्या होगी, भरेगी। इतनी बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, समझ में भी आ गई होगी। अब देखो क्या होता है, 1 बजा और पहला नल खोल दिया गया, पहला नल कौन है, ए, और भरने की प्रक्रिया चली, देखो 3 बजे जो है ना, 3 बजे खुल रहा खाली करने वाला नल, क्योंकि जो लास्ट नल है, जो एक निकासी नल है लास्ट वाला, वो 6 घंटे में खाली कर रहा, और उसको कितने बजे खोला जाएगा, 3 बजे, क्योंकि क्रमशः खोल रहे हैं, पहला 8 घंटे में भर रहा, दूसरा 12 घंटे में भर रहा, और तीसरा 6 घंटे में खाली कर रहा, तो भाई 3 बजे जो लास्ट नल है वो खोला जाएगा, ठीक है, और वो वही तो है खाली करने वाला। तो पहले आप इतना समझ लो कि 1 बजे से 3 बजे तक पहले नल ने काम किया, तो 1 बजे से 3 बजे तक कितने हो गए, 2 घंटे हो गए ना, 2 घंटे में ए ने कितना पानी भर लिया भाई, 3 लीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 3 गुणा 2 कितना, 6 लीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बच गए 2, अब 2 बजे से 3 बजे तक दूसरे नल को चलाया गया भाई, पहला नल तो 1 से 3 तक चला, 2 घंटे तक लगातार चल रहा है भाई, चल ही रहा है वो तो, 1 से 2 बजे तक चला, फिर दूसरा नल भी आ गया, फिर 2 से 3 तक चला, ऐसा है, लेकिन आप सीधा सीधा चलाओ ना 1 से 3 पूरा भाई, 1 को 2 घंटे चला दो। अब दूसरे नल की बारी आई, 2 बज गए और दूसरा नल खोला गया, तो इसने 1 ही घंटा चल पाया ना 2 से 3 भाई, इसने तो 1 ही घंटे भर पाया, तो 2 एकम 2 2 लीटर, दोनों ने मिलाकर 6 लीटर इसने भर लिया, 2 लीटर इसने भर लिया, कुल मिला के कितना लीटर पानी भर गया, 8 लीटर पानी भर लिया दोनों ने, भर लिया। अब 3 बजे तीसरा नल खोल दिया गया, सी खोल दिया गया। अब देखो क्या होता है, तीसरा नल खोला है, आपने निकाल लिया है कि 1 घंटे में जो क्षमता निकली है ना 1 लीटर पानी भरने की, तो भैया यहाँ पे प्लस में एक आया, मतलब टंकी भरेगी,
भरेगी। 8 लीटर तो आप पहले ही भर चुके हो, अब बची कितनी उतनी ही तो भरोगे भाई। 8 लीटर आप पहले ही भर चुके हो, 1 से लेकर 3 तक, 1 बजे से 3 बजे तक ए और बी नल कार्यरत थे भाई। बी 2 बजे चल गया और ए 1 बजे से चल ही रहा था, तो 8 लीटर पानी तो आप भर ही चुके हो, भर चुके ना। अब देखो 24 में से 8 घटा दो तो आपका शेष कम आ जाएगा। शेष कम निकाल लो यहाँ से, शेष काम मतलब टंकी कितनी खाली है, उतनी ही तो भरोगे, क्योंकि यहाँ में +1 आया तो +1 दर्शाता है कि टंकी भरेगी। तो भाई 24 में से आप 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 16 लीटर। हाँ हाँ 16 लीटर, ठीक है। इतना काम आपको करना है, करेगा कौन भाई, तीनों मिलके ही तो काम करेंगे। अब 3 बज गए, तीनों साथ में चलेंगे तो समय चाहिए। समय देखो, समय कितनी प्यारी चीज़ निकल के आ गई। अब देखो क्या है कि 16 लीटर पानी भरना है तो कुल काम 16 बटे 1 घंटे का काम भाई कितना है, एक रख देंगे, मतलब 16 घंटे में क्या होगा, टंकी भर जाएगी। क्या पूछा है, टंकी कितने बजे तक भरेगी, समय पूछा कितने बजे तक भरेगी। तो इसमें आप कुछ नहीं किया करो, आप ऐसा सोच लो कि भाई 3 बजे तीनों नल कार्यरत थे, तो भाई 3 बजे के बाद 16 घंटे बाद कितना बजेगा, 3 बजे और प्लस 16 घंटे और जितने बज जाएं उतना उत्तर। देखो 12 घंटे में वही का समय हो जाता है, लेकिन टाइम रात और दिन का होता है। देखो अगर 3 बजे दोपहर था, दोपहर में बोला था इसमें, ठीक है, 3 बजे दोपहर को खोले गए थे ना, बोला देखो दोपहर। अब दोपहर से 12 घंटे अगर हम आगे चलेंगे तो सुबह के 3 बज गए, बज गए ना सुबह के 3। अब 12 घंटे हो गए और 4 घंटे और, तभी तो 16 होंगे ना, तो 4 घंटे और तो सुबह के कितने बज गए, 3 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया, 7 बजे सुबह क्या होगा, टंकी भर जाएगी भाई। 3 बजे तीनों नल एक साथ काम करने लगे, ठीक है। अब 16 घंटे बाद आपकी टंकी भरनी है, 16 घंटे बाद, तो देख लो कि 12 घंटे अगर आप एक्स्ट्रा चला दो तो बस क्या होगा कि टाइम वही हो जाएगा, बस दिन और रात का फर्क होगा। तो भाई 3 बजे दोपहर की बात थी, 12 घंटे बाद 3 बजे सुबह आ गई ना सुबह। अब 16 घंटे करने हुए हैं 12 घंटे, 4 घंटे और, तो 3 में 4 जोड़ दो कितने आ गए, 7 बजे सुबह। आराम से समझ में आ गया होगा भाई, 8 लीटर पानी पहले ही भर गया था। और यहाँ हमने देख लिया अगर तीनों चलें तो क्या हो रहा है, 1 लीटर प्रति आवर के हिसाब से पानी भरा जा रहा है। यहाँ पे प्लस में एक आना ये दर्शाता है कि टंकी आपकी भरेगी, तो कितनी भरेगी, 8 लीटर पहले भर दिया था, 24 में से 8 घटा दिया, 16 लीटर आपको भरनी है, निकाल लिया, आराम से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्या बोलता है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोलता है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने रहा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। एक बर्तन 2 पाइपों से अलग अलग, तो भाई मान लो एक ए है, ए 20 मिनट में भर रहा है, और ए बी है, ए 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है। कुल काम निकाल लो कितना आएगा, 60 आएगा ना, एक एक मिनट का काम निकाल लो दोनों का कितना आएगा, ए तो 20 30 60 और 30 दूनी 60, दोनों भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए, मतलब पहले पाइप को कब बंद कर दें कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। मतलब पहले पाइप को बंद किया, उसके 10 मिनट बाद क्या भर गया, बर्तन पूरा भर गया, तो बाद में जो 10 मिनट चला ना वो कौन चला, ओनली बी, क्योंकि पहला पाइप देखो उन्होंने बोला है कि पहला पाइप बंद करना है, तो जो बाद में किसने काम किया, ओनली बी ने, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट का काम है 2 लीटर, किसका, बी का, तो इसको 10 मिनट चलाओ तो गुणा 10 का करेंगे ना, तो काम निकल के आता है, देखो 1 मिनट का काम गुणा समय बराबर क्या होगा काम के, तो 20 लीटर पानी किसने भरा, ओनली बी ने, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक, क्योंकि बाद में 10 मिनट बोला ना, 10 मिनट के बाद भर जाता है, तो बाद के जो 10 मिनट है ना उसमें सिर्फ बी ने काम किया और कितने लीटर पानी भरा, 20 लीटर, ठीक है। अब देखो जो शेष काम 60 लीटर पानी तो दोनों का था ना, ठीक है, कुल काम था 60 लीटर। अब देखो आप काम निकाल लो यहाँ से, काम भाई 60 लीटर में से 20 लीटर तो जो बाद के 10 मिनट हैं उसमें बी ने ही काम किया, तो कितना 20 लीटर काम पानी भर दिया, तो बचा कितना था 40 लीटर। ये 40 लीटर पानी किसने भरा, ए और बी ने मिलकर, भाई ए और बी ने मिलकर क्यों, क्योंकि पहला पाइप उसने बोला है कि भरा जा सकता है, और दोनों पाइप खोल देने पर दोनों पाइप को साथ में खोला गया, फिर पाइप पहले पाइप को बंद किया गया, मतलब दोनों पाइप काम अगर कर रहे थे और पहला पाइप 3 लीटर भर रहा था, दूसरा पाइप 2 लीटर भर रहा था, तो भाई दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहे थे, ए और बी, कितने लीटर, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 5 लीटर। एन की क्या है, क्षमता किनकी, नलों की। अब क्या चाहिए, समय ही तो चाहिए, समय निकाल दूँ, समय, तो 40 लीटर पानी ए और बी ने मिलकर भरा कितने मिनट तक, 8 मिनट तक,
8 मिनट तक कितना 40 लीटर पानी ए और बी ने मिलकर भरा। मतलब 8 मिनट बाद किसको बंद कर दिया गया, पहले पहले पाइप को बंद कर दिया गया। तो ये तो आपका उत्तर हो गया भाई, 8 मिनट बाद बंद किया तभी तो 40 लीटर काम हुआ, ए और बी ने मिलकर किया, 8 मिनट के में कर लिया तो 8 मिनट बाद ए को बंद कर दिया, फिर इसके बाद 20 लीटर बचा था। तो भाई बी की क्षमता कितनी है, 2 लीटर, तो भाई 10 मिनट लगे भरने में, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपके सामने, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं, ए है, ये 10 मिनट लगता है और बी है, ये 15 मिनट लगाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुल काम निकाल लो कितना आएगा, 30, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसे ही है, आप इतना तो कर ही लेते हो, के इतना तो रट ही गया, 10 30 और 15 2 30 दोनों भरने वाले हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ये इनका 1 मिनट का काम हो गया, ठीक है। क्या होता है कि व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है, यहाँ पे खोलना लिखा था, खोल देता है जब हौज भर जाना चाहिए, उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है, ठीक है, वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया, इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। पहले तो ये निकाल लो कि हौज भर कितने मेरा भाई, 5 लीटर, 30 लीटर पानी भरना था, और ए और बी का 1 मिनट का काम कितना है, 5 लीटर। तो देखो समय निकाल लो कि कितने मिनट में टंकी भर जानी चाहिए थी, 30 लीटर कुल काम है, कुल काम बटे 1 मिनट का काम, तो कितना आया, 5 छक्के 30, 6 बार कट गए ना, 6 मिनट में आपकी टंकी भरनी थी, 6 मिनट में टंकी भरनी थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि टंकी में था छेद या कोई नल खुला होगा, तो वो गया वापस, उसने देखा कि अरे ये तो नल खुला है, मेरी तो टंकी भरी नहीं, तो उसने फिर नल को क्या किया, बंद किया, लिखा ना नल बंद किया, इसके बाद 4 मिनट और लगे और क्या हुआ, टंकी भर गई, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो कि 1 मिनट में दोनों मिलकर 5 लीटर पानी भरते हैं, ये तो निकाल लिया ना हमने, एक मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं, अगर 4 मिनट दोनों को चला दिया जाए, 4 मिनट दोनों को चला दिया जाए तो 5 लीटर 1 मिनट में, 4 मिनट तक चले तो दोनों को चला दिया जाए तो 20 लीटर पानी भरा कि नहीं। अब एक चीज़ दिमाग लगाओ, ये जो 20 लीटर पानी आपका ये भरना था, ये 6 मिनट तक गिरता रहा होगा, तभी तो 20 लीटर पानी ये आपका कम रह गया भाई, जब बंद कर दिया गया इसके बाद 4 मिनट लगे, 20 लीटर पानी भर गया, तो मतलब 20 लीटर जो पानी है वो 6 मिनट तक आपका बाहर गिरता रहा होगा, मतलब 20 लीटर पानी 6 मिनट तक बाहर गिरता रहा कि नहीं, गिरता रहा। और वो पूछ क्या रहा है कि निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय, निकास नल को कितना पानी बाहर करना है, 30 लीटर करना है ना, तो भाई 30 लीटर को खाली करने में कितना समय लगा, 6 बटे 20, चूँकि इसलिए इसे कर लिया, चूँकि 20 लीटर 6 मिनट में खाली हो रहा है तो 30 लीटर कितने में, तो 6 बटे 20 और गुणा 30, 0 से तो 0 कट गए, 2 3 6 कितने मिनट लगे, 9 मिनट। बताओ कितना आसान था, बहुत ही आसान था, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या। पहले तो ये देख लो कि भाई 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा, और वो बोलता है कि 4 मिनट लगे और टंकी क्या हो गई, भर गई, तो 4 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 20 लीटर भर रहा है ना। अब आप ये बताओ कि ये जो 20 लीटर है ये 6 मिनट तक गिरता रहा होगा कि नहीं, तभी तो टंकी नहीं भर पाई, नहीं तो टंकी भर ना जाती आपकी भाई, 20 लीटर 6 मिनट तक गिरता रहा, आपको गिराना कितना है तभी तो टंकी खाली होगी, 30 लीटर गिराना है, तो 20 लीटर 6 मिनट में, तो 30 लीटर कितने मिनट में, 9 मिनट में। भाई आसान है, उत्तर है, आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप रह ही नहीं पाए होंगे इसको लाइक किए बिना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है, और आप क्या मुझसे चाहते हो, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। आगामी कुछ दिनों में, मैं अभी आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया कि एक और वीडियो डलने लगी है, जिसमें आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों, आपके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, वनडे एग्ज़ाम है मतलब उपयोगी है, ठीक। तो अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के, तो मैं बिल्कुल पूरी निष्ठा से आपको पढ़ाने की कुव्वत रखता हूँ, बस आप में पढ़ने की कुव्वत हो, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।